So all of you please join. I will complete this problem. Yes. So Yes. yes. Okay. So this was the table. I am just writing very quickly. So the woman save curly, like in the save file I cannot write. So let me construct it very quickly. And CB, YB, XB, and this is X1, X2, Y3, Y4. Y5, है ना, एंड मिनिमम रेशियो. उस टाइम यार 20 पार्टिसिपेंट्स थे, सारे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे. सो इट वाज योर 0 0 0, दिस वाज योर Y3, Y4, Y5, इट वाज 50, 100 एंड 90, एंड इट वाज योर टेबल 2 1 1 0 0 2 5 0 1 0 and 2 3 0 0 1, and here I was getting your del j, you know, del j was zj minus cj, which I calculated here. So it was coming minus 4 minus 10 0 0 0 and z was coming 0, you know. So we got minimum ratio also. So minimum ratio was coming 50 upon 1 is equal to 50, and then it was 100 upon 5, it was 20, I think, and 90 upon 3, it was 30. So we got, this is your most negative value and this was the minimum ratio. So your pivot element was coming how much? 5, है ना, यहां तक हमने करा था आगे. यस, इसको मैं, लेट मी मार्क इट बाय दिस. सो दिस 5 वाज द लीडिंग एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट, एंड आई गॉट X2 इज द एंटरिंग वेरिएबल एंड दिस Y4 इज द लीविंग वेरिएबल. तो ये आपको टेबल में कंटिन्यू करता हूं आगे. लेट मी टेक द ब्लू कलर. सो आई एम कंटिन्यूइंग द टेबल. So we got now new variables. I got क्या क्या थे भाई वो, Y3, Y2 and Y5. X2 था, चलो X2 था. हाँ, वो बुक में यहाँ पे उसको X2 को वो लिख रहे हैं. एक्चुअली ये टेबल के अंदर दे आर यूजिंग द वेरिएबल एज अ Y. आप उसे आप X2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो X2 लिख दें. तो इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके भाई, 0 10 एंड 0, है ना, एंड द टॉप इट वाज CJ. CJ वाज योर कॉस्ट वैल्यू 4 10 0 0 0. चलो, तो मैं, एज आई टोल्ड यू कि नाउ दिस 5 इज द लीडिंग एलिमेंट. फर्स्ट थिंग, मेक इट यूनिटी डिवाइडिंग बाय 5 इन द होल रो. सो इट विल बिकम 100 अपॉन 5, 20, 2 बाय 5, 1, एंड देन 0 बाय 5, 0, 1 by 5 and 0 by 5, 0. Then I will do R1 minus R1. R1 में हमें चेंज करना है, तो R1 minus R1 star. Star इसलिए कि ये जो न्यू रो है आपकी, इससे मैं R1 star, sorry, R2 star. इस रो को मैं R2 star कह रहा हूँ, क्योंकि ये R2 न्यू रो है. तो what was coming value? 30, 8 by 5, 0, 1, माइनस 5, 1 बाय 5, 0. सिमिलरली, अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर भी एक लाइन रहेगी, कंफ्यूजन. अब ये 3 था, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक चेंज इन द R3. सो न्यू R3 होगा, इट विल बी व्हाट, R3 माइनस 3 R2 स्टार, और यहाँ लिखेंगे न्यू R3. तो जब आप 90 माइनस R2 स्टार है 60, 90 माइनस 60 30, है ना. 2 माइनस 3 into 2 by 5. 2 minus 6 by 5. कितना आ रहा है? 4 by 5. है ना? ये आ जाएगा 0.
एंड देन आर थ्री का मतलब वही जीरो माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ दिस तो माइनस थ्री बाई फाइव, एंड आर थ्री वन माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक है, ये स्टेप बहुत ध्यान रखना, इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, इस रो से माइनस करनी है नई रो, है ना। तो रो आपको लेनी है आर थ्री फ्रॉम द प्रीवियस सिंप्लेक्स टेबल एंड सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द न्यू सिंप्लेक्स टेबल, तो ये आपके पास निकल के आगे बैठे। अब सेम डेल्टा जे, डेल्टा जे विल बी व्हाट, जेड जे माइनस सी जे। हाँ एक मिनट, अकॉर्डिंग टू डेल्टा जे इज इक्वल टू जेड जे माइनस सी जे। So it will be ZJ minus CJ. Okay. तो ये आप फिर वही कैलकुलेट करेंगे, देखो तो क्या बताया था, डेल्टा वन कितना होगा, जीरो इंटू एट बाई फाइव प्लस टेन इंटू टू बाई फाइव प्लस जीरो इंटू फोर बाई फाइव, है ना। इसका अगर आप डेल वन निकालें, देखिए डेल वन विल बी वॉट, जीरो टेन जीरो मल्टीप्लाई बाई एट बाई फाइव टू बाई फाइव एंड ये सही से लिखता हूँ, जाओ मैं स्पेस नहीं मिल रहा मुझे, इसे सही से लिख दे रहा हूँ एक बार, डेल वन फोर आ जाएगा सर, फोर माइनस फोर जीरो। हाँ जीरो आ जाएगा सर, जीरो कर दीजिए। जीरो कर दूँ जी सर, क्योंकि 10 into 2 by 5 कितना हो गया 4 minus 4, yes it is coming 0, है ना। Now delta 2 बताइए, 0 into 0 plus 10 into 1 10 plus 0 into 0 10 minus 10, ये भी 0 आ रहा है। What about y3, 0 into 1 0 plus 10 into 0 plus 0 into 0 0 minus 0, it is also coming 0. Then del 4, 0 into 10 into 1 by 5 हो गया 2, this is 0, 2 minus 0 is 2 और last one is 0, है ना, 0. वैसे भी हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके basic, ये जो y b था, जो आपके basic variables हैं, ना, जो y b में basic variables के corresponding आपके पास ये del j हमेशा 0 आएगा। तो y3 x2 y5, देखो y3 x2 y5 ये हमेशा 0 ही आएगा, नॉन बेसिक का जीरो आ सकता है, अगर आया तो वो अलग इंडिकेशन है, लेकिन हियर द पॉइंट इज कि यू गॉट ऑल डेल जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो हियर, यस हियर ऑल डेल जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ है कि वी गॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नाउ नो नीड टू मूव अहेड, इज इट क्लियर। सो यस सर, सो दिस इंप्लाइज दैट वी गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जैसी डेल जे सब पॉजिटिव आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि यू गॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब वो वैल्यू क्या होगी, सो नाउ यू कैन सी हियर, सो व्हाट अबाउट, तो देखो अब इसमें जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर द वैल्यूज, जो न्यू वैल्यूज लिखी हैं, तो यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या था, बेसिकली डिसीजन वैल्यूज तो दो ही थे, एक्स वन और एक्स टू, तो एक्स वन तो इसमें नहीं आया, तो एक्स वन की वैल्यू क्या होगा, जीरो, इसका मतलब एक्स वन इज जीरो। ओके, व्हाट अबाउट एक्स टू, एक्स टू क्या होगा, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसकी 20, है ना 20, सो x2 इज नाउ 20, क्योंकि x2 इसमें आ रहा है, यहाँ पे x2 इज 20। सो व्हाट अबाउट मैक्स ऑफ z, तो मैक्स z वाज योर 4x1 plus 10x, 10x बी 4 into 0 plus 10 into 20, that means 200, so it is the maximum value which we got here at the point 0 and 20, ठीक है। Yes, sir. So it is the simplex table, it is the method. अगर यहाँ पर फिर negative आता, तो फिर मैं उसी step को repeat करता, negative में I will see the most negative, that will be the entering variable, I will find the minimum ratio, the minimum ratio will be the leaving variable, फिर मैं enter कराता, उसे coefficient, जो key element आता, आपका leading element, उसको हम one करते, उस corresponding 0-0 बनाते, identity form बनाने के लिए, फिर solve करते. तो आपकी identity matrix देखो, run करती रहेगी. पहले identity matrix आपकी थी y3, y4, y5, है ना? इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनी थी आपकी, x2 y3 y5। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर आपके हमेशा यू विल बी ऑलवेज गेटिंग
जीरो नेट एवेल्युएशन करस्पॉन्डिंग था बेसिक वेरिएबल्स, लेकिन अगर किसी नॉन बेसिक के करस्पॉन्डिंग भी जीरो आ जाए, जैसे आपका एक्स वन के करस्पॉन्डिंग नेट एवेल्युएशन इज जीरो बट एक्स वन इज नॉट इन द बेसिक मैट्रिक्स, है ना, तो ये जीरो आ रहा है, तो इफ योर नॉन बेसिक वेरिएबल गिविंग यू जीरो इट इज द इंडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। जैसे ग्राफिकल में आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का ऑप्शन क्या कैसे होता था कि यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना, यस, तो यहां पर क्या होगा सिंपलेक्स मेथड में, है ना, इफ तो हियर योर डेल जे इज इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल है ना, x1 आपका नॉन बेसिक वेरिएबल है क्योंकि y b में नहीं है, तो अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आएगा दिस इज द इंडिकेशन ऑफ हेंस एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट वो क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, क्लास है नेक्स्ट आपकी, क्लास है सर, अच्छा क्लास है सर, चलो तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को आई विल कंटिन्यू के हेयर, लेकिन आपको मैं इंडिकेशन बता दिया है ना, इट इज अ क्वेश्चन आल्सो, तो व्हाट इज द इंडिकेशन इन अ सिंपलेक्स मेथड फॉर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, तो क्या है कि इफ नेट इवैल्यूएशन डेल्टा जे, इसको हम कहते हैं नेट इवैल्यूएशन, इफ नेट इवैल्यूएशन डेल्टा जे इज जीरो करस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल इट इज द इंडिकेशन देयर एग्जिस्ट एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। तो यहाँ पर आपके पास एक्स वन जो था उसके करस्पॉन्डिंग जीरो आया था, अब अल्टरनेटिव ऑप्टिमा वाला ये हुआ कि हम कोई और न्यू बेसिक वेरिएबल ले सकते हैं जो यहाँ एंटर कर जाएगा, और कोई न्यू वेरिएबल ले लेंगे जो इसमें से लीव करेगा, है ना, उसे हम कैसे लेंगे, यहाँ पर आप कोई निगेटिव तो है नहीं तो उसको हम कैसे ले लेंगे, अब उसमें हम ये देख लेंगे कि ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, आपका x1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो अगर x1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है इसका मतलब x1 will enter in the basis now, I can take x1 also in the basis, और अगर x1 करेगा तो फिर रेशियो निकालेंगे, है ना, और फिर हम देखेंगे कि आपकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो अभी 200 ही आ रही होगी, ओके, सो हियर यू कैन सी, सो वी कैन एंटर x1 एज अ न्यू बेसिक वेरिएबल, समझ में आई बात, क्योंकि ये x1 जीरो आ रहा है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बेसिक वेरिएबल, इसलिए हम x1 को एंटर करा सकते हैं, और अब मिनिमम रेशियो फिर से निकालेंगे तो x1 यहां पर एंटर कर जाएगा आपका, ठीक है, x1 विल बी एंटरिंग, लीविंग के लिए आपको फिर मिनिमम रेशियो निकालना होगा इस वाली रो का, तो वही आप करेंगे फिर से, मिनिमम रेशियो कितना आएगा थर्ड जब ये x1 एंटर कर जाएगा, तो क्यों भाई वही रेशियो निकाल सकते हैं आप 30/8/5, ओके, यस सर, मिनिमम रेशियो 30/8/5 इट विल बी कमिंग 150/8, दूसरा रेशियो आएगा 20/2/5 दैट मींस 100/2 है ना 50, थर्ड रेशियो विल बी व्हाट 30/4/5 इट विल बी 150/4 कितना हो गया 150 है ये 4 × 3 = 30 है ना तो इट विल बी कमिंग 37.8 अप्रोक्सीमेटली और 150/8 इज कमिंग समथिंग 18.75 तो इट विल बी द मिनिमम ये मिनिमम रेशियो हो गया तो इट मींस व्हाट कि y3 विल बी लीविंग ठीक है तो ये जो आपका 8/5 आया इट विल बी योर लीडिंग एलिमेंट अगेन नाउ इट विल बी योर लीडिंग एलिमेंट इट इज योर लीडिंग एलिमेंट अब क्या करना होगा फिर से हमें 8/5 से डिवाइड करना है इसे 1 बनाना होगा या 5/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो न्यू टेबल बनेगी है ना सो इसमें जो न्यू टेबल बनेगी यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं जल्दी से तो ये वही सी बी वाई बी एक्स बी और यहाँ पे आपके पास एक्स वन एक्स टू और ये वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव
हेयर योर न्यू वेरिएबल तो वाई वन इज लीविंग है ना, ये हमने भी देखा कि वाई वन जो है आपके पास वाई थ्री लीव कर रहा है, एक्स वन एंटर कर रहा है, तो ये एक्स वन होगा एक्चुअली, तो इट विल बी योर एक्स वन, एक्स वन एंड इट वॉज योर वाई टू, इट वीज योर वाई फाइव, तो एक्स वन का कोएफिशिएंट कितना था 4, यहाँ पर यह था 10, है ना, ये एक्स टू था, एक्स टू 10 और वाई फाइव वॉज 0, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 8 बाई 5 से, या 5 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, जाओ 8 बाई 5 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी कमिंग 150 बाई 8, 1, 0, 5 बाई 8, माइनस 1 बाई 8, 0, 0, ये आ रहा है आपका 25 बाई 2, अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या करना है देखिए, 2 बाई 5 था यहाँ पे, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर आर वन माइनस 2 बाई 5 ऑफ आर टू, है ना, इसे 0 बनाना है, तो यू हैव टू टेक आर टू में चेंज करना है, आर टू माइनस 2 बाई 5 आर वन, आर वन स्टार पुराने वाले, इट विल बी कमिंग 25 बाई 2, 0, 1, माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 4, 0, 15, 0, 0, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, 1. अब यू विल फाइंड योर डेल्टा जे, तो डेल्टा जे अगेन आप डेल वन फाइंड करेंगे तो इट विल बी कमिंग 0, 0, 0, 2, 0. डेल्टा जे सेम आ रहा है आपके पास, है ना, डेल्टा जे इज सेम अगेन, द मैक्स वैल्यू यू कैन सी हियर, एक्स वन इज 150 बाई 8 एंड एक्स टू इज 25 बाई 2. जब आप मैक्स जेड में वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 4 एक्स वन है ना प्लस 10 एक्स टू, यही तो था 10 एक्स टू, यस सर, तो इसकी वैल्यू अभी 200 आएगी, आप चेक कर सकते हैं, देख लो कितना आ गया, देखो 4 टू द 8, देखो 4 टू द 8 है ना, और 2 इससे कितना हो गया ये 75 प्लस 2 5 द 10 हाउ मच 125. Unbounded solution and feasible solution. And because in graphical method you have studied there are three special cases: alternative optima, which you got here, unbounded solution, and infeasible solutions. So these I will discuss in the next class. Okay, sir. Okay, all the best. Bye.